आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है तीज, तो आप लोग बहुत अच्छे से रेडी हो रहे होंगे और आप लोगों के यहाँ बहुत सारे पकवान बन रहे होंगे। आप लोगों ने क्या क्या बनाया अगर पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर सेंड करिएगा इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू ऑल कि आप लोग सब लोग कैसे तैयार होते हो। अभी तक मैं तो अभी डे टाइम है, मैंने अभी कुछ तैयार व्यार नहीं हुई हूँ। मैं शाम को तैयार होंगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मैं आपको बोल भी रही थी ना कि मेरी एक फ्रेंड तीज मनाती है, तो वो जो सावन के बाद एक भादव शायद मंथ होता है, मुझे हिंदी मंथ का बिल्कुल नेम नहीं पता है, तो शायद उस वाले मंथ की तीज मनाती है, तो वो ये वाली तीज नहीं मनाती, तो मैं अकेले ही सेलिब्रेट करूँगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मैंने परसों लगाई थी और एक दिन में थोड़ी सी फेड भी हो गई है। मैंने इसे ना लगा के सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रखा था, और जैसे ही वो सूख रही थी ना तभी गोविंद बोलने लगा मम्मा पॉटी मम्मा पॉटी। रात का टाइम था, अंशुल सो चुके थे, तो फिर मुझे मेहंदी हटानी पड़ी, पानी से धोना पड़ा। सो इट्स मॉम लाइफ, यू कांट हेल्प इट, बट एनीवेज थोड़ा सा तो रच ही गई है, अच्छी लग रही है हाथ पे लगी हुई। और अभी नेल पेंट वगैरह मैं जाकर लगाऊंगी। तो आज सैटरडे है और अभी आई थिंक 12:30 हुआ है, हम लोग निकले हैं बाहर। मुझे गोविंद के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उसके कपड़े खरीदने थे, तो वही अभी हम लोग खरीदने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज यहाँ पर, बट मुझे ना ज़्यादा गर्मी गर्मी करना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग एरिजोना से आए हैं जहाँ पर इस टाइम पे तो बिल्कुल आग बरस रही होती है। बट यहाँ पे भी कोई टेम्परेचर कम नहीं है, 85 या आई थिंक 87 तक मैक्सिमम आज जाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा धूप है और काफ़ी गर्मी है। आज ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसा कि मैं आपको बोल भी रही थी, इट वॉज 86 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और मतलब जब घर आए ना, हमारा इतनी तेज़ सर चकरा रहा था कि बस थोड़ा सा लंच किया, और अंशुल और गोविंद तो अभी बिल्कुल खर्राटे मार के सो रहे हैं। बट जैसा कि आप सब जानते हो मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती, मुझे नींद ही नहीं आती दिन में, इसीलिए मैंने सोचा चलो जो आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और उसके बाद फिर शाम को खाना बनाऊँगी, ड्रेसअप होंगी, और सोचा है मंदिर वगैरह जाऊँगी, तो ये टाइम दोपहर का जो है थोड़ा सा शांति से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ आज मैं काफ़ी सारे स्टोर्स गई थी। हम लोग टारगेट गए थे, रॉस गए थे, फिर मार्शल्स गए। हाँ, तो आज मुझे ना गोविंद के लिए बेसिकली मैं ना थोड़े से विंटर क्लोथिंग देख रही थी, और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था बर्लिंगटन कोर फैक्ट्री जाना है मुझे, तो वो आज नहीं हो पाया, शायद हम लोग कल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने रॉस से ये एक क्यूजीन आर्ट का तड़का लगाने के लिए छोटा सा पैन लिया है, ये देखिए, ये मैंने लिया है $6 का, काफ़ी अच्छा नॉनस्टिक पैन मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ये लिया है एक सब्जी बनाने वाला सॉस पैन का, ये या जो भी आप इसे कहते हैं, काफ़ी हैवी है ये, इसकी लिड काफ़ी हैवी है, पैन इटसेल्फ इतना हैवी नहीं है। ये $33 का मैंने लिया है, और ये कैल्फलॉन ब्रांड का है। मैं बोलूँगी थोड़ा सा प्राइसियर साइड पे है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये ब्रांड बहुत अच्छी है, मैंने इसका पर्सनली काफ़ी सामान यूज़ करके देखा हुआ है। तो ये ऐसा है कि एक बार आप इन्वेस्ट करिए और ये काफ़ी टाइम तक आपका चलेगा, तो ये मैंने एक लिया है। और इसका साइज़ वगैरह जो है ना मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगा, मेरी फैमिली के लिए सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा ये। इसकी लिड बहुत अच्छी है, काफ़ी हैवी है, तो देखिए है। तो रॉस पे तो मैंने यही लिया। उसके बाद मैं ना गोविंद के कुछ कपड़े देख रही थी, तो रॉस पे मुझे पसंद नहीं आए, तो हम लोग फिर गए मार्शल्स। मैं एक्चुअली ना गोविंद के कपड़े हमेशा क्लियरेंस में, गोविंद के ही नहीं, लाइक मेरे और अंशुल के भी जब हम कपड़े लेते हैं तो पहले देखने की क्लियरेंस में क्या हमें मिल रहा है। क्लियरेंस में भी ना कभी कभी बहुत अच्छे आपको कपड़े मिल जाते हैं, बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं, तो हम लोग पहले वहाँ से पिक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोविंद के लिए लिया ये 3-पीस सेट है, ये देखिए, ये थोड़े गर्म पजामे हैं, दो ये पजामे हैं, और इसके साथ एक ये रिबॉक की टी शर्ट है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी 3T की। आई थिंक ये जस्ट $15 की थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा बाय लगा, मैंने कहा ये अब सर्दियां आने वाली हैं यहाँ पे, तो इस टाइप के कपड़े तो मुझे लगता है अक्टूबर से मुझे पहनाने पड़ेंगे गोविंद को, तो एक ये ले लिया मैंने। और एक मुझे उसके लिए गफ जैकेट मिल गई, जो जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे चाहिए मोटी थिक वाली, तो एक मुझे ये उसके लिए जैकेट मिल गई। अगेन बहुत कम
प्राइस पे मुझे मिली है, जस्ट $15 की मैंने ली है. और इसका कलर मुझे ना काफी अच्छा लगा, येलो एंड ब्लू, काफी लाइवली और बहुत क्यूट लग रहा था गोविंद जब मैंने उसे ट्राई करवाया था. तो जैसा कि आप सब जानते हो, बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे कपड़े लेने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग बहुत गंदे करते हैं कपड़े. तो एक सेट ऑफ विंटर क्लोथिंग उसकी आ गई है. और टारगेट से मैंने लिया ये अपना फेस वॉश, ये एफ ए क्लार है, ला रोश पोजे का. आप लोग मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो कि मैं ग्लो कर रही हूँ, मतलब उसके बहुत एंडलेस रीजंस हो सकते हैं. मे बी यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने एरिजोना से जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने यहाँ पे एक अपनी हैबिट बनाई है ज़्यादा फ्रूट्स खाने की, उसका रीज़न हो सकता है. और एक रीसेंट जो मैंने चेंज किया था अपने स्किन केयर रूटीन में वो है ये फेस वॉश. इसकी एक बॉटल मैं ख़त्म ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये अब मैं आज सेकेंड लेकर आई हूँ टारगेट से. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक फॉर अ फेस वॉश आई पेड $15 विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये. अगर आपकी मेरी तरीके की स्किन टाइप है, जैसे ऑयली थोड़ा सा आपके पोरस स्किन है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी स्किन को बहुत सूट करता है ये. तो टारगेट से मैंने ये लिया, या दैट्स इट, यही आज मैंने शॉपिंग की है. और हाँ, मुझे आपको ये ना पेंटिंग दिखानी थी जो लास्ट ब्लॉग में आप देख रहे थे ना कि मैं पेंट कर रही थी, ये पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है. ये हाफ फेस है बुद्धा का. मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी है. आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, मुझे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, सो उस बेसिस पे इस पेंटिंग के ऊपर मुझे जज करिएगा. बट होता है ना कि अगर आप चाहे कैसा भी पेंट करो, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए, बिल्कुल आर्टिस्टिक ना लगे, बट अगर आपने अपने घर में अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स लगाई हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग मुझे बताइएगा और ऑनेस्ट रिव्यूज़ दीजिएगा. अगर अच्छी नहीं लगी तो वो भी मुझे बता दीजिएगा. आई वुड यू नो लव टू इम्प्रूव इन फ्यूचर. तो मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी है. मैंने हरी धनिए की चटनी बना ली है और अभी मैं खीर बनाने जा रही हूँ. जोए की खीर बनाऊंगी. हमारे यहाँ तीज पे और रक्षाबंधन पे जोए वाली खीर बनती है. पनीर की सब्जी बनाऊंगी विदाउट प्याज और आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी. तो चलिए सबसे पहले कुछ मीठा ही बनाते हैं. तो खीर के लिए यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए. और जब तक दूध बॉयल होगा मैं अपना नया कुकवेयर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना अपना नया कुकवेयर ही यूज़ करूँ. मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इसे यूज़ करने के लिए. तो इसमें मैं आज पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ. तो पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें छोटा सा जिंजर पीस रफली चॉप करके ऐड किया है, हैंडफुल ऑफ कैश्यूज और 5 टमाटर मैंने रफली चॉप करके इसमें डाले हैं. तो इसे मैं भून लूँगी और भूनने के बाद फिर ठंडा करके इसकी प्योरी बनाऊँगी. काफ़ी लोग कच्चा टमाटर पीस के फिर उसकी प्योरी बना के और भूनते हैं, बट मैं इस तरीके से बनाती हूँ. और हर रेसिपी आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो अलग अलग आपको टेस्ट मिलेगा. मुझे ये वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है पनीर की सब्ज़ी का. और यहाँ पे मैंने खीर में जवे भी डाल दिए हैं. अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो एक मुट्ठी आप जवे या चावल जिसकी भी खीर बनाते हैं तो एक मुट्ठी डालें. ये मेरी मम्मी का मेजरमेंट है. मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है तो हाफ मुट्ठी मैंने इसमें जवे डाले हैं. बिल्कुल परफेक्ट आपकी खीर बन के आएगी, ना ज़्यादा थिक होगी ना ज़्यादा पतली रहेगी. और आप देख ही सकते हैं मेरी जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो भी बन रही है एक स्टफ पे. और अब मैं अपनी चीनी भी ऐड कर दूंगी खीर में. तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच चीनी ऐड करी है. ये अमेरिकन चीनी है जो पाउडर वाली होती है, तो ये कम मीठी होती है, इसलिए 5 चम्मच ऐड की है. अदरवाइज़ अगर आप इंडिया की चीनी यूज़ कर रहे हैं जो क्रिस्टल वाली होती है तो आई थिंक उसकी 3.5 से 4 चम्मच भी इनफ रहेगी. तो मेरी खीर बन गई है और अब मैं पनीर की सब्ज़ी फाइनलाइज़ कर रही हूँ. तो सेम पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, हींग जीरा डाला है, उसमें ग्रीन चिली डाली है और ये टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है तो वो डाल दिया है. और अब मैं इसे 3-4 मिनट अच्छे से भून लूँगी. और 3-4 मिनट भूनने के बाद आपको लगेगा कि ऑयल ऊज़ आउट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टमाटर इसमें ऑलरेडी पका ही हुआ है. और इसके बाद मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ. 1 चम्मच पनीर मसाला डाला है और 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर. और बस इसे भी आप 3 से 4 मिनट तक पकाते रहें. आप इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो पनीर की सब्ज़ी बन के आएगी वो उस तरीके की लगेगी. अदरवाइज़ आप बहुत सारे तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर रेसिपी बहुत तरीक़ों से बनती है और अलग अलग टेस्ट करती है. और देखिए, मैंने जिस ब्लेंडर में प्योरी बनाई थी उसी में मैंने पूरा भर के फुल क्रीम मिल्क लिया है. ये रूम टेम्परेचर का मिल्क था
तो मिल्क भी मैंने चलाते चलाते ग्रेवी बनाने के लिए ऐड कर दिया है पैन में, और अब इसे मैं इसी तरीके से चलाती रहूँगी जब तक ये बॉईल नहीं होगा। अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, बट जब ग्रेवी में एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, और फिर पनीर पीसेस भी ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है, बट ये बहुत टेस्टी लगती है, एकदम रेस्टोरेंट वाली फील देती है। अगर आपके घर कभी कोई गेस्ट आ रहे हो और आपको जल्दी में कुछ बनाना हो, तो आई वुड सजेस्ट पनीर की सब्ज़ी बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है और गेस्ट को भी लगता है कि आपने कुछ उनके लिए स्पेशल बनाया है। लोग जा रहे हैं मंदिर, और ये मैंने आज ग्रीन कलर का सूट पहना है, गोविंद ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है। अभी मैं आपको उतर के उसका आउटफिट दिखाऊंगी, और आज अंशल ने भी अपना ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना है। मैंने सोचा कि जब पहन रही हूँ मैं एथनिक पहन रही हूँ तो सभी लोग पहन लेंगे, क्योंकि ना एथनिक कपड़े यहाँ पे इतने ज्यादा काम नहीं आते, तो कभी कभार जब मंदिर जा रहे हो या कोई त्योहार है तो पहन के उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई एथनिक कपड़े भी यूज हो रहे हैं, अदरवाइज तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं सूटकेस में, कुछ काम नहीं आते। और हाँ, आज मैंने ये नथ पहनी है जो मेरी फ्रेंड ने, मैंने कुछ ब्लॉग्स पहले आपको दिखाई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट की थी जब हम लोग ट्यूसॉन से मूव कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये बेस्ट मौका है, इसको मैं पहन लेती हूँ। और वो फ्रेंड मेरी मेरे ब्लॉग्स देखती है, डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा लगेगा ये देखे कि मैंने उसका गिफ्ट जो है इतने प्यार से सहेज के रखा है और पहन भी रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये सिंपल सा लुक। आज मैंने कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया, बस काजल बिंदी लिपस्टिक बस, बाकी और कुछ मैंने आज मेकअप नहीं किया, क्योंकि बस मुझे लगा मंदिर जाने के लिए ही तो मैं ये ड्रेसअप हो रही हूँ और इतना मेकअप वगैरह क्यों लगाऊँ, स्किन को क्यों केमिकल से एक्सपोज करूँ, तो मैंने सोचा छोड़ो सिंपल रहते हैं। तो बस अभी अभी हम लोग घर लौटे हैं, और घर लौटते ही सबसे पहले मैंने अपनी ड्रेस चेंज की है, क्योंकि आज गर्मी काफ़ी थी और सूट काफ़ी चुभ रहा था, तो सोचा चलो चेंज ही कर लेती हूँ। और आज किसी का भी पूरी खाने का मन नहीं था, तो सोचा रोटी ही बना लूँ, और मम्मी को भी मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था तो उन्होंने भी बोला कि बेटा जी जो आपका मन हो वो बना लो, क्योंकि त्यौहार तो आपकी खुशी के लिए मनाए जाते हैं, तो अगर आपका पूरी खाने का नहीं मन है तो कोई भी अपशगुन जैसा कुछ फीलिंग मत लाओ मन में, जो मन है बेटा वो खाओ। तो एवोकैडो की रोटी बना रही हूँ मैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि रॉ एवोकैडो आप लोग कैसे मिक्स कर लेते हो, तो देखिए बिल्कुल रॉ फ्लैश मैंने एवोकैडो का निकाल के आटे में इस तरीके से गूंथ लिया है, और इसकी रोटी या पराठे आप बनाएं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आटे में आपने कितना सारा मोइन डाल रखा है, क्योंकि एवोकैडो में खुद ही ऑयल होता है, तो वो ऑयल आपका जो है आटे में आ जाता है, और फिर बहुत अच्छी रोटी पराठे बनते हैं इसके, और ये हेल्दी भी रहता है। अगर आपकी फैमिली मेरी तरह है जिन्हें एवोकैडो खाना पसंद नहीं है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा तीज स्पेशल खाना बिल्कुल बनके तैयार है खाने के लिए। खाना बना हुआ था और हमें तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोगों ने तो फटाफट अपना डिनर ख़त्म कर लिया है, बट सर का खाना अभी तक चल रहा है। ये थोड़े से फजी ईटर हैं, इन्हें एक एक गस्सी खिलाना एक जंग लड़ने के बराबर है, और जब ये खाना खाते हैं तो इन्हें स्क्रीन टाइम तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ ये चेयर पर बैठ ही नहीं सकते, तुरंत भाग जाते हैं, इसीलिए इसका स्क्रीन टाइम मैंने फ़िक्स कर रखा है। लंच टाइम और डिनर टाइम इनका थोड़ा सा स्क्रीन टाइम हमें कराना पड़ता है। तो बस अभी ये भी अपना लंच सॉरी डिनर फिनिश कर लें, उसके बाद मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा आज का। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये तीज सेलिब्रेशन वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, बाय।